Hello friends, this is standard 8 and we are going to study geography. In previous video we studied lesson of history. Now we are going to turn to geography. So student, our surrounding is made up of many things. Surrounding means nature, and nature has gifted us many things such as rocks, soils, minerals, natural vegetation, and so animal and human being. We are also a resource. So these all things are called gift of nature. तो बच्चों, हमने अभी देखा कि हम भी एक रिसोर्स है. नेचर जो है, नेचर ने हमें बहुत सी चीजें दी. रिवर्स, जैसे रॉक्स हो गए, सॉइल हो गए, तो ये सब क्या है? रिसोर्सेस है. और इसीलिए आज हम इन रिसोर्स के बारे में जानेंगे. तो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन दिया है रिसोर्सेस. रिसोर्स भी बोल सकते हैं, रिसोर्सेस. सो स्टूडेंट, टेक योर टेक्स्ट बुक इन योर हैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक. इन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस लेसन यू आर गोइंग टू नो द थिंग्स व्हिच आर गिफ्टेड बाय नेचर, एंड दीज आर रॉक्स, सॉइल्स, मिनरल्स, वेजिटेशन, एनिमल्स एक्सेट्रा. अर्ली ह्यूमन्स वेर अनवेयर ऑफ द यूटिलिटी ऑफ दिस गिफ्ट ऑफ नेचर. सो स्टूडेंट, वी हैव स्टडीड अबाउट अर्ली ह्यूमन्स. यू नो दे डिड नॉट नो हाउ टू यूज सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, मिनरल्स, रॉक्स. सो therefore they were fully dependent upon the environment. They did not know how to use the resource surrounded there, and so that they were dependent on mainly their environment. With the passage of time, samay ke saath saath, human beings developed techniques to convert these gifts of nature into useful articles which could satisfy their needs. But समय के साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे समय बढ़ता गया, चीजें वो देखते गए. हम जानते हैं कि हम लोग अनुकरण से सीखते हैं, चीजों को देखकर उसकी प्रॉपर्टी हम समझने की कोशिश करते हैं. जस्ट लाइक दैट अर्ली ह्यूमंस जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, उनको चीजों का अनुभव हुआ और उनको उनके उपयोग समझ में आने लगे, और ऐसा करते करते वो चीजों का उपयोग करने लगे. अब द गिफ्ट्स ऑफ नेचर बिकेम रिसोर्सेस, और इस तरह से नेचर के द्वारा जो हमें मिला था वो धीरे धीरे रिसोर्स में कन्वर्ट होने लगे. तो अब हम रिसोर्स किसको कहेंगे, डिटेल में जानेंगे. तो रिसोर्सेस रेफर्स टू ऑल द मटेरियल्स अवेलेबल इन अवर एनवायरमेंट विच हेल्प अस टू सेटिस्फाई अवर नीड्स. हम रिसोर्सेस उसी चीज को कहते हैं जो हमारी नीड्स की पूर्तता करती है. दीज मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेस बाय वैल्यू एडिशन. हमें नेचर में जो चीज खुली अवस्था में प्राप्त होती है, हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके यूज करते हैं. जैसे अर्ली ह्यूमंस को क्या मिला, रॉक मिला. उन्होंने उसको थोड़ा सा उस पर वर्क किया, उसको टोक पीट कर करके उसका हथियार बनाया. मतलब उन्होंने क्या किए, उसको मॉडिफाई किए. मॉडिफाई करना ही वैल्यू एडिशन है. तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जिनको वैल्यू एडिट करके
हम रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, अपने यूज में लेते हैं। तो दिस इज पॉसिबल बाय प्रोसेसिंग देम इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल टेक्नोलॉजी। अब बात आती है कि जो रिसोर्स है वो यूजफुल कैसे होता है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उस जो गिफ्ट ऑफ नेचर है उसको वैल्यू एडिशन करके यूजफुल बनाते हैं और रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। यहाँ पर दिया है कि जो इंडस्ट्रीज होती है उनका मकसद ये होता है कि जो भी गिफ्ट ऑफ नेचर है, गिफ्ट ऑफ नेचर यानी नेचुरल मटेरियल्स, गिफ्ट ऑफ नेचर यानी नेचुरल मटेरियल्स, उसको इंडस्ट्री क्या करती है, उसमें वैल्यू एडिट करती है, वैल्यू एडिशन। तो इंडस्ट्री क्या करती है, गिफ्ट ऑफ नेचर यानी मटेरियल्स को लेती है और उसमें वैल्यू ऐड करके उसको क्या बनाती है, रिसोर्स बनाती है। उसको इंडस्ट्री क्या करती है, रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। कैसे करती है, तो उसमें वैल्यू ऐड करती है। और वैल्यू ऐड करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। तो टेक्नोलॉजी का यूज करके गिफ्ट ऑफ नेचर में वैल्यू एड करना और उसको रिसोर्स में कन्वर्ट करना, ये किसका काम हो गया, इंडस्ट्री का काम हो गया। तो इस तरह से गिफ्ट ऑफ नेचर में बिकम वैल्यूएबल रिसोर्सेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जैसे जैसे वक्त गुजरता गया धीरे धीरे जो चीजें है रिसोर्स में कन्वर्ट होने लगी। इट हैज पोर्स व्हिच कैन बी यूज्ड टू ड्राइव अ वाटर व्हील। आपने देखा है कुआं, देखा है वेल, देखा है उसमें क्या करते हैं, बकेट बांध करके रस्सी से पानी खींच लेते हैं। तो इस तरह से हमने टेक्नोलॉजी यूज की कि उस पानी को लाने का, ऊपर लाने का एक ही उपाय था, रस्सी में बकेट बांध करके ऊपर खींचा गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वाटर व्हील यूज होने लगे। व्हेन अ टेक्निक वाज डेवलप्ड टू हार्नेस दिस फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर, इट बिकेम अ रिसोर्स। फिर क्या होता है, पानी तो बरसों से झरने से गिर रहा था, है पानी गिर रहा था, लेकिन ये गिरते हुए पानी का यानी वाटरफॉल का यूज इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हुआ, तो बाय टेक्नोलॉजी हुआ। टेक्नोलॉजी डेवलप की गई कि वो जो पानी बरसों से गिरते आ रहा है उसको देखकर एक उस फोर्स का, उस घर्षण बल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाने लगी, अर्थात जो फॉलिंग वाटर है अब क्या बन गया, रिसोर्स बन गया। रिसोर्स कैसे बना, जब उसमें टेक्नोलॉजी यूज की गई और उसको इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लायक बना दिया गया। तो इस तरह से वैल्यूएबल रिसोर्स बनाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी एंड टाइम आर द टू मेन फैक्टर्स विच कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। अभी हमने देखा टेक्नोलॉजी एंड टाइम कंबाइनली वर्क फॉर मेकिंग रिसोर्सेस। ह्यूमन बीइंग आर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। मैंने बताया था कि हम लोग भी एक रिसोर्स है, हमारे बिना कोई चीज काम नहीं होगा ना। हम ही लोग उसमें टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम भी ह्यूमन बीइंग भी इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इट इज देयर नॉलेज एंड स्किल दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज। साफ साफ लिखा है कि जो ह्यूमन बीइंग है अपने नॉलेज और स्किल का यूज करके किसी चीज को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे द मिनरल डिपॉजिट इन यूएसए वर नॉट वैल्यूएबल टू द नेटिव्स। यूएसए में मिनरल बहुत है, पहले से था, लेकिन वहां के नेटिव्स जो थे उनको पता ही नहीं था
कि इन मिनरल्स का कोई अलग यूज होता है। फिर क्या हुआ, as they did not know their use, however when the Europeans migrated to this region they explored and developed the mineral deposit and mineral deposit acquired the value of our resources। यूरोपियन लोग यहाँ यूएसए में गए, इन्वेस्ट किए, वहां पे आक्रमण किए, फिर उन्होंने वहां पे रहना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो ये जो यूएसए के जो मिनरल्स थे वो वैल्यूएबल हो गए और इस तरह से वो रिसोर्स में कन्वर्ट हुए। तो देयर आर स्टिल मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड हुज एक्चुअल वैल्यू इज आइदर नॉट नोन टू अस और वी डू नॉट पजेसेस सुटेबल टेक्नोलॉजी टू यूज देम। आज भी वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज हमें पता नहीं है और इसीलिए उनको हम रिसोर्स में अब तक कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, सुटेबल टेक्नोलॉजी आती जाएगी, उनको रिसोर्स में हम कन्वर्ट करते जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि फ्यूचर में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको रिसोर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब कई जो कंट्रीज होती है, पीछे में दिया है, मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव वास्ट रिजर्व ऑफ रिसोर्सेस। अब ये जो रिसोर्सेस है कहाँ पाए जाते हैं, तो अर्थ के हर कोने में कोई ना कोई रिसोर्स उपलब्ध है। तो इनकी उपलब्धता के आधार पर उनका सेटलमेंट जो होता है उसके आधार पर डिमांड पूरी की जाती है। तो हम देखेंगे आगे में नेक्स्ट पेज पर 114 पे कि दे डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्लॉइट एंड डेवलप देम। तो बहुत सारी जगह है वर्ल्ड में वो लोग ना तो उसका एक्सप्लॉयटेशन जानते हैं ना उसको डेवलप करना जानते हैं। तो सच कंट्रीज रिमेन पुअर, बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप। अफ्रीका की बात करें तो वहां पे आज भी बहुत सारा हिस्सा आदिवासी लोगों का है। क्यों है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समय के साथ डेवलप नहीं कर पाए, उनको उनका नॉलेज डेवलप नहीं हुआ, स्किल डेवलप नहीं हुआ, टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप हुई और इसलिए वो जो नेचुरल नेचर ऑफ गिफ्ट है जैसा का वैसे ही रह गया, उसको वो रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाए और इस वजह से धरती पर ऐसे कई देश है जो आज भी पुअर है, बैकवर्ड है, अंडर डेवलप्ड है। ह्यूमन नीड्स आर नॉट द सेम एवरीवेयर, ह्यूमन नीड्स आर से नो। आप कहोगे कैसे, तो जैसे विंटर एरिया जहां पे विंटर सीजन चल रहा है तो वहां के लोगों का जो की जो जरूरत है, समर जिधर में है उधर के लोगों की जो जरूरत है उनमें डिफरेंस तो रहता ही है। जंगलों में रहने वाले लोग, शहर में रहने वाले लोगों की जरूरत है, गांव में लोगों रहने वाले लोगों की जरूरतों से भिन्न होती है। दे वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय बदलता है, जरूरतें बदल जाती है, जगह बदलती है, जरूरतें बदल जाती है। सो स्टूडेंट द एनवायरनमेंट एंड ऑन द लेवल ऑफ सोशल इकोनॉमिक कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो क्या है जो इंसान की जरूरत होती है वो किन बेसिक चीजों पर डिपेंडेड है, तो उस एरिया का सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, इन चीजों पर वहां के इंसान की जरूरतें डिपेंड करती है। सो अब हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि रिसोर्स के कितने टाइप्स होते हैं ये पढ़ना। तो हम लोग आज रिसोर्स के टाइप्स जान लेते हैं कि टाइप्स कौन से होते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो रिसोर्सेज जो है कई प्रकार के होते हैं, इसलिए उनको एक पर्टिकुलर टाइप में हमें
कन्वर्ट करना होता है समझने के लिए। तो रिसोर्सेस के टाइप जो है, सबसे पहला टाइप है नेचुरल रिसोर्सेस, कौन सा नेचुरल रिसोर्सेस। दूसरा टाइप है ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, और तीसरा जो है ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ये जो दो है ये तो कहो के बात समझ आती है, अब ये जो तीसरा है ह्यूमन रिसोर्सेस, तो इसमें कौन आएगा कि ह्यूमन बीइंग। तो इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेस है और जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है, इसके बाद का जो टर्म है ह्यूमन रिसोर्सेस है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही जो रिसोर्स है जो बाकी के दो को यूटिलाइज करता है। सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेस है, तो जो नेचर है कैसे बना है, लैंड एयर वाटर सॉइल मिनरल नेचुरल वेजिटेशन फॉसिल फ्यूल्स, इन सब से नेचुरल रिसोर्सेस बनते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इन सारी चीजों को मॉडिफाई करते हैं, प्रोसेसिंग के जरिए उनको रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं, कंज्यूमशन के लायक बनाया जाता है। कंज्यूमशन यानी उसको उपभोग करने के लायक बना दिया जाता है। तो नेचुरल रिसोर्सेस में जो भी चीजें आती है सराउंडिंग में, एयर हो गया वाटर हो गया फ्रूट्स हो गया, इन चीजों को तो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं, एयर को वाटर को फ्रूट्स को डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, पर बहुत सारी जो चीजें होती है जैसे मिनरल्स हो गई, तो उनको उनके ओर से पहले सेपरेट किया जाता है, जैसे आयरन है और भी बॉक्साइड है और भी एल्यूमिनियम है मैग्नीज है, तो इनके ओर्स होते हैं, ये चीज माइंड से निकलते हैं तो मुक्त अवस्था में नहीं रहते, ये किसी मिट्टी से सॉइल से रॉक से चिपके हुए रहते हैं, फिर उन पर एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा उनको अलग कर दिया जाता है। तो क्या होता है, कुछ चीजें हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं एयर वाटर फ्रूट्स, और कुछ चीजें हम डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको वैल्यू एड करके यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे क्रूड पेट्रोलियम, नाम सुना है आपने, जो क्रूड ऑयल होता है, तो क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है, तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल डीजल केरोसिन एलपीजी ये सारी चीजें बनाई दी जाती है। क्रूड ऑयल डायरेक्ट यूज नहीं होता, मतलब ये डायरेक्ट यूज नहीं होता, मतलब इसमें वैल्यू एड की जाती है, मॉडिफाई किया जाता है, तब जाकर के वो यूजफुल होता है। तो रॉ मटेरियल क्या हो गया इसमें, क्रूड ऑयल, और फिनिश गुड्स क्या हो गया, पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा। उसके बाद जो दिया है आगे में कि विच हैव टू बी प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल प्रोडक्ट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, द प्लेस वेयर नेचुरल रिसोर्सेज अक्वायर इन्फ्लुएंसेस देयर यूज, फॉर एग्जाम्पल सम मिनरल रिसोर्सेज अक्वायर ऑन द अर्थ सरफेस वाइल अदर्स में अक्वायर डीप अंडर द अर्थ सरफेस। तो इट इज डिफिकल्ट टू माइन बियॉन्ड अ डेप्थ ऑफ अबाउट 2000 मीटर, देयरफॉर मिनरल्स अक्वायरिंग सच डेप्थ कैन नॉट बी यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, थस द यूटिलिटी ऑफ एनी नेचुरल रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहां पर बच्चों एक लिमिटेशन दिया हुआ है कि जो चीजें या रिसोर्सेस दी जाती है ना, तो क्या होता है, कुछ चीजें जमीन के ऊपर है, कुछ चीजें जमीन के नीचे है। जमीन के ऊपर जो सरफेस पर चीजें दिखाई देती है वो तो पूरी तरह से हम रिसोर्स में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, पर जमीन के नीचे 2000 किलोमीटर के नीचे क्या है, 2000 सॉरी मीटर नहीं किलोमीटर नहीं मीटर, तो 2000 मीटर के जो नीचे का हिस्सा है जमीन के, उसमें जो भी रिसोर्सेस है आज भी ह्यूमन बीइंग के टच से बाहर है, उनका हम आज भी यूज नहीं कर पाते।
तो एक लिमिटेशन तक ही हम चीजों को फिर उनके टाइप्स बनाते हैं, एग्जॉस्टेबल या फिर अनएग्जॉस्टेबल। तो जो मिनरल्स होते हैं वो एग्जॉस्टेबल माने गए हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो मात्रा है, उपलब्धता है, वो लिमिटेड है। और इस पर से क्या होता है, कुछ जो फैक्टर्स हैं वो निश्चित कहे गए, तो उसमें से पहला दिया हुआ है द फॉर्म इन विच इट अक्वायर्स। पहला फैक्टर क्या है, नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करते समय ध्यान रखना है, तो कि जब भी यूटिलिटी देखेंगे हम नेचुरल रिसोर्सेज की, तो क्या देखेंगे उसमें, तो सबसे पहले तो उसका फॉर्म देखेंगे। फैक्टर्स कौन से दिया, पहला तो फॉर्म, कि वो जिस फॉर्म में है उस फॉर्म को समझना है। दूसरी बात द प्लेस वेयर इट अक्वायर्स, दूसरा है प्लेस कि किस जगह पे वो प्राप्त होता है। तीसरा जो दिया है द एफर्ट्स नीडेड टू प्रोसेस इट, तो कौन सा एफर्ट लगेगा, तो टेक्नोलॉजी आएगी उसमें, टेक्नोलॉजी कौन सी लगेगी जो कि वो यूटिलाइज करने लायक बन जाए, और बाद में उसके प्रोसेसिंग का कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब यूज होगी तो उसके प्रोसेसिंग का खर्च भी तो आएगा, तो उसका जो कॉस्ट है ये भी देखा जाता है। तो नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए इन चार चीजों का विचार किया जाता है, फॉर्म जिस फॉर्म में रिसोर्स उपलब्ध है, प्लेस जिस जगह पे रिसोर्स उपलब्ध है, टेक्नोलॉजी उसको यूटिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बाद वो जो टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी, ये सब देखा जाता है, तब जाकर के वो जो रिसोर्स है यूटिलाइज होता है। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें उनकी ओरिजिन के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज के कई प्रकार बनते हैं, उनके डेवलपमेंट, रिन्यूएबिलिटी या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज के कई और टाइप्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों आप इस लेसन की रीडिंग करिए और नेचुरल रिसोर्स समझने की कोशिश कीजिए, रिसोर्स किसे कहते हैं, उसके टाइप्स क्या है, इन पर आज हमने चर्चा की, आशा है तुम्हें समझ आया होगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे। ओके बाय।